हेलो व्यूअर्स, दिस इज रवि वंस अगेन वेलकमिंग यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल रवि व्लॉग। तो आज हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के तीसरे वीडियो में हैं और इस वीडियो में हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सीखेंगे। इससे पहले हमने दो वीडियो में ये कवर किया है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मीनिंग और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। दैट मींस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को हम रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहां और क्यों दिखाते हैं, इन सारी बातों को हमने अपने पिछले दो वीडियो में कवर किया है। इस वीडियो में हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो आइए हमारे साथ हम इस डिस्कशन को भी शुरू करते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है जो कि हमने लेजर के फॉर्म में भी आपको बताया था और यहां भी बताते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर, कैश और क्रेडिट। वो परचेज कैसा होगा, चाहे वो कैश में हो या क्रेडिट में हो, टोटल परचेज हमें लेना है। और उसमें से हम लेस क्या करेंगे सर? क्लोजिंग स्टॉक। मतलब कि अगर मेरे पास पहले से कुछ गुड्स है उसमें हम ऐड करेंगे कुछ गुड्स हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है। उन दोनों को ऐड करने के बाद अगर मेरे पास कुछ गुड्स बच गए हैं तो उसे हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। और इसके बाद जो हमें बचेगा वो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम होगा। सर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम किसी भी एनपीओ के लिए क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम किसी भी एनपीओ के लिए एक्सपेंसेस है। तो वो उसे कहां रिकॉर्ड करता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करता है। वेरी नाइस। सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहां? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड करता है। अब हम इस डिस्कशन को जरा डिटेल में ले जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स में हम ऐड करते हैं परचेज ऑफ गुड्स, कैश एंड क्रेडिट। जरा इस बात पे गौर करिएगा, जो भी परचेज हम करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, चाहे वो कैश में तो उसे भी हम ऐड करेंगे, चाहे क्रेडिट में उसे भी हम ऐड करेंगे। सर, अगर क्वेश्चन में ये ना दिया हो कि कैश परचेज कितना है तो हम उसे क्या मानेंगे? सर, निल, डेट मीन्स जीरो मानेंगे। वेरी नाइस। सर, अगर क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज ना दिया हो तो हम उसे क्या मानेंगे? जब क्वेश्चन में आपको क्रेडिट परचेज ना दिया हो तो आप पांच इंफॉर्मेशन को ढूंढोगे क्वेश्चन में। सर, वो पांच इंफॉर्मेशन क्या है वो हम आपको बताते हैं, लेकिन आप मेरी बातों को पहले समझिए। वो पांच इंफॉर्मेशन से आपको क्या मिलने वाला है? क्रेडिट परचेज। सर, अगर कैश परचेज ना दिया हो तो वो जीरो होगा, लेकिन अगर क्रेडिट परचेज ना दिया हो तो हम पांच इंफॉर्मेशन को ढूंढेंगे। तो सर, वो पांच इंफॉर्मेशन क्या है? ये बात हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन इस वीडियो में हम आपको फिर से रिपीट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। वो पांच बातें क्या थी? सबसे पहला, अमाउंट पेड फॉर द गुड्स। आपने अमाउंट टोटल कितना पे किया है ये आपको चाहिए होगा। सर, क्यों चाहिए होगा? ये पता करने के लिए कि आपने किसी भी ईयर में कितना क्रेडिट परचेज किया है। उस पांच इंफॉर्मेशन में से एक इंफॉर्मेशन हो गया। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है? सर, क्रेडिटर फॉर द गुड्स ओपनिंग। डेट मीन्स सर, क्रेडिटर फॉर द गुड्स मतलब क्या होता है? जब आप कोई भी गुड्स किसी सप्लायर से उधार में क्रेडिट पे खरीद के लाते हैं तो उसे हम क्रेडिटर फॉर द गुड्स बोलते हैं। वो क्रेडिटर ओपनिंग हो या फिर क्लोजिंग हो, डेट मीन साल के शुरुआत का कोई क्रेडिटर हो तब, और साल के एंड का भी कोई क्रेडिटर हो तब, ये दोनों इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए होगा। क्यों चाहिए होगा? सर, क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर निकालने के लिए। चौथा है, एडवांस टू द क्रेडिटर। जब हम किसी भी सप्लायर को कुछ पैसे एडवांस दिया हो मटेरियल के लिए। सर, एडवांस मतलब आपने पैसे तो पेमेंट कर दिए लेकिन गुड्स और मटेरियल आपको नहीं मिला। एडवांस टू द क्रेडिटर, चाहे वो ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो, ये पांचों इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। सर, क्यों चाहिए? सर, ये पांचों इंफॉर्मेशन हमें इसलिए चाहिए ताकि हम ये पता कर पाए कि क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना है। सर, एक बात मुझे और बताइए, अगर क्रेडिट परचेज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो क्या ये पांचों इंफॉर्मेशन किसी काम का है हमारा? नो सर, ये पांचों इंफॉर्मेशन फिर किसी काम का नहीं रह जाता। तो ये तो बात हो गई उन पांच इंफॉर्मेशन की जो आपको चाहिए क्रेडिट परचेज निकालने के लिए। अब हम अपने डिस्कशंस को और आगे ले जाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस किस आइटम को हम जोड़ेंगे और किस किस आइटम को घटाएंगे और क्यों जोड़ेंगे और क्यों घटाएंगे। इन सारी बातों का जवाब हम आपको इसी वीडियो में देंगे। हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। तो फॉर्मूला हमारा क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये देखिए, ओपनिंग स्टॉक ऐड किया हमने, क्लोजिंग स्टॉक लेस किया हमने। यहां ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक इसी चीज को हमने यहां लिखा है, और
ये सारी बात हम लोग क्यों करेंगे, ताकि हम क्रेडिट परचेज निकाल सके। डेट मीन्स परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फॉर्मूला मेरा अभी भी वही है, लेकिन कुछ चीज आपको ऐसे लिखी हुई है, उसे मैं समझाता हूं। ये देखिए, अमाउंट पेड फॉर द क्रेडिटर में हम लोग कुछ आइटम ऐड करेंगे और लेस करेंगे। सर वो ऐड और लेस क्यों करेंगे? क्रेडिट परचेज निकालने के लिए। ये वही पांच आइटम हैं जिनको हम यूज करके अपना क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना है वो निकालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अमाउंट पेड फॉर द गुड्स में हम ऐड करेंगे ओपनिंग क्रेडिटर ऑफ गुड्स। सर ओपनिंग क्रेडिटर को ऐड क्यों करेंगे? आप 2 मिनट का हमें समय दे, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ऐड क्यों करेंगे। अभी आप मुझे मेरे साथ ये सीख लीजिए कि किसे हम ऐड करेंगे और किसे हम लेस करेंगे, क्यों ऐड करेंगे और क्यों लेस करेंगे, इसका भी जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ओपनिंग क्रेडिटर ऑफ द गुड्स को हम लेस करेंगे, क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर द गुड्स को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सर इसके बाद क्या करना है? ओपनिंग एडवांस टू द क्रेडिटर इसको हम ऐड करेंगे और क्लोजिंग एडवांस टू द क्रेडिटर को हम लेस करेंगे। ये इतना पांचों बात हम लोग क्यों करेंगे? ताकि हमें क्रेडिट परचेज पता चल जाए, और जैसे क्रेडिट परचेज पता चल जाए तो उसमें हम ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक जोड़ेंगे, क्लोजिंग स्टॉक घटाएंगे। वही किया है हमने। ये देखिए, ओपनिंग स्टॉक जोड़ा है और क्लोजिंग स्टॉक घटाया है, जिससे कि हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम पता चल जाए। तो आप ये बात समझ रहे हैं कि ये पांचों एडजस्टमेंट हम लोग क्यों किए हैं? ताकि हमें क्रेडिट परचेज पता चल जाए। तो आइए अब हम जरा इसका रीजन आपको देते हैं कि हम लोग इसे क्यों जोड़े और क्यों घटाएं। तो इन बातों को सीखने के लिए हम आपके सामने कि 11th क्लास का अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसका नाम था अक्रूअल कांसेप्ट, उसको डिस्कस करने वाले हैं। हाँ सर, सर क्यों डिस्कस करने वाले हैं? यही अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको बताने वाला है, जवाब देने वाला है कि किस अमाउंट को हम जोड़ेंगे और किस अमाउंट को हम लेस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। अक्रूअल, सर ये अक्रूअल कंसेप्ट मतलब क्या होता है? हर वो ट्रांजेक्शन, चाहे वो इनकम हो या एक्सपेंसेस हो, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, हर वो ट्रांजेक्शन चाहे वो इनकम हो या फिर एक्सपेंसेस हो, अगर वो करेंट ईयर से बिलोंग करता है तो हम उसे लिखेंगे, चाहे वो कैश में हो या क्रेडिट में हो, उससे मतलब नहीं। सर वो बिलोंग कब से करना चाहिए? करंट ईयर से। अगर वो एक्सपेंसेस या इनकम करंट ईयर से बिलोंग करता है तो हम उसे जरूर रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो प्रीवियस ईयर से या फिर एडवांस ईयर से बिलोंग करता है तो हम उसे नहीं लिखेंगे। ये कौन बताता है? सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसका नाम है अक्रूअल। अब अक्रूअल हमें इन पांचों चीज को क्यों जोड़ना है, घटाना है, यह बताएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? अमाउंट पेड फॉर द गुड्स। जितना हमने अमाउंट पे किया है किसी ईयर में, उसको पहले हम पकड़ेंगे, और उसमें हम क्या ऐड और लेस करेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहले सर ओपनिंग क्रेडिटर फॉर द गुड को लेस करेंगे। अब क्यों लेस करेंगे, आइए सीखते हैं। सर ओपनिंग क्रेडिटर मतलब क्या? ऐसा गुड्स जो आपने पिछले साल के एंड में क्रेडिट पे, डेट मीन्स उधार पे खरीदा था। तो अब मुझे ये बताइए, क्या ये पैसा इस साल पेमेंट होगा? बिल्कुल होगा सर। सर वो पेमेंट क्या इस अमाउंट में इंक्लूड होगा? हाँ बिल्कुल, जो पिछले साल हमने उधार खरीद के लाया था हम इस साल पेमेंट करेंगे। तो आप मुझे ये बताइए, क्या ओपनिंग क्रेडिटर करेंट ईयर से बिलोंग करता है क्या? नो सर, वो तो सर प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है। और अक्रूअल कंसेप्ट हमें क्या सिखाता है? हर वो एक्सपेंसेस जो करेंट ईयर से रिलेटेड हो, उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेंगे, चाहे वो कैश में हो या क्रेडिट में हो। तो आप जल्दी से बताइए, जो ओपनिंग क्रेडिटर जो पिछले साल से बिलोंग करता था, उसे हमने इस साल पेमेंट किया है, तो क्या वो एक्सपेंसेस हम इस साल ऐड करेंगे क्या? नो सर। क्यों नहीं ऐड करेंगे? क्योंकि अक्रूअल कंसेप्ट बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर का करेंगे, वो तो सर प्रीवियस ईयर एक्सपेंसेस है। वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा समझा है, करेक्ट। तो उसे हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्यों लेस करेंगे? क्योंकि सर वो अब से बिलोंग करता है, प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है। वेरी नाइस सर, एक बार जरा दूसरा आइटम में चेक करके बताना, फिर से दिखाते हैं। इधर देखिए, क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर द गुड्स को हमने ऐड किया। सर इसे ऐड क्यों किया, आइए सीख लेते हैं। सर क्लोजिंग क्रेडिटर मतलब साल के एंड में आपने गुड्स उधार पे खरीदा। तो अब ये बताइए, ये जो साल के एंड में आपने गुड्स खरीदा, वो करेंट ईयर से बिलोंग करता है या नहीं? बिल्कुल करता है सर। तो क्या ये करेंट ईयर से बिलोंग करता है, तो क्या हम इसे करेंट ईयर में एक्सपेंस ट्रीट करेंगे? हाँ, इसी के लिए हमने भले ही पैसे नहीं पेमेंट किया, हमने उधार पे गुड्स खरीदा, लेकिन उसको भी अपना एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे, और इसीलिए ऐड किया है हमने क्लोजिंग क्रेडिटर को। अब आप समझ रहे हैं कि हम ऐड किए तो क्यों किए और लेस किए तो क्यों किए, मैं यही बात आपको समझाने का कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट आइटम भी चेक करके बताइए सर। देखिए, ओपनिंग एडवांस टू द क्रेडिटर ऐड किया। सर ऐड क्यों किया, ये बताइए, अभी मैं समझाता हूं। सर ओपनिंग एडवांस मतलब क्या? पिछले साल, डेट मीन्स प्रीवियस ईयर, आपने
करेंट ईयर के लिए पैसे दे दिए पहले ही, प्रीवियस ईयर में आपने पैसे दे दिए कब के लिए, करेंट ईयर में, और आज आप करेंट ईयर में ही खड़े हैं, तो आप ये बताइए वो पैसा क्या करेंट ईयर से रिलेट करता है या नहीं? करता है सर। तो जैसे वो करेंट ईयर से रिलेट करेगा तो क्या हम उसे अपना एक्सपेंसेस मानेंगे? यस सर। कौन बताया? तो ये हमें अक्रूअल कंसेप्ट ने बताया कि वो करेंट ईयर से बिलोंग करना चाहिए। जो पेमेंट हमें पिछले साल मिला था कब के लिए, करेंट ईयर के लिए, तो ये तो करेंट ईयर से ही बिलोंग किया, तो इसे हम क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे। ये देखिए ऐड किया हमने। अब आप समझ रहे हैं कि हम ऐड क्यों कर रहे हैं? तो सबके पीछे एक ही कारण है, अक्रूअल कंसेप्ट। सर एक और बताइए, ये देखिए क्लोजिंग एडवांस टू द क्रेडिटर। सर क्लोजिंग एडवांस मतलब क्या? अभी आप कहां पे खड़े हैं? अभी आप हैं करंट ईयर में, और आप अभी आने वाले साल के लिए, एडवांस ईयर के लिए अभी आपने पैसा दे दिया। तो फिर मेरा सवाल आपसे, क्या आपने जो अभी पेमेंट किया है आने वाले साल के लिए, क्या वो करेंट ईयर से बिलोंग करता है? नो सर, वो तो एडवांस ईयर, आने वाले ईयर के लिए बिलोंग करता है। करेंट ईयर में भले ही हमने पेमेंट किया है, लेकिन क्या वो इस ईयर से बिलोंग करता है क्या? नो सर। तो आप मुझे बताइए, क्या ऐसे एक्सपेंसेस को हम करेंट ईयर में रिकॉर्ड करें? क्या अक्रूअल कंसेप्ट हमें अलाउड करता है? नो सर। अक्रूअल कंसेप्ट का सीधा कहना है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो वो करेंट ईयर से बिलोंग करना चाहिए, तब हम लिखेंगे। लेकिन ये तो सर बिलोंग कर रहा है एडवांस ईयर से, आने वाले साल से, तो हम इसे क्या करेंगे सर, लेस कर देंगे। वही हमने किया। वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा इस पूरे कंसेप्ट को सीखा है। ये देखिए क्लोजिंग एडवांस को हमने लेस किया है। तो ये सारा अमाउंट, ये सारा कैलकुलेशन हमने क्यों किया सर? क्रेडिट परचेज निकालने के लिए। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक जो एज इट इज पहले भी ऐड होता था, आज भी हमने ऐड किया। क्लोजिंग स्टॉक जो पहले भी लेस होता था, आज भी हमने लेस किया। और अमाउंट है जिसका नाम है सेल ऑफ गुड्स, उसे हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। सर इसे लेस क्यों करते हैं? इस बात का जवाब हम आपको आने वाले वीडियो में, जब हम अपने न्यूमेरिकल सम्स को सॉल्व करेंगे, वहां पे बताएंगे। आप बिल्कुल भी ना घबराएं। तो ये चीज आपको समझ में आया सर, कौन कौन आइटम को हम ऐड करते हैं और लेस करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको बहुत कम बच्चों को पता रहती है कि हम क्यों ऐड करते हैं और क्यों लेस करते हैं। आज आपको इस वीडियो के बाद सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अगर ये सारी बात आपको समझ में आई हो तो आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर किसी बात को समझने में आपको दिक्कत आ रही हो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।